जोर से ताली बजाओ कुमारी विशिखा के लिए। आओ बच्चे गिफ्ट लेके जाओ अपना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने डांस किया, बहुत प्यारा। खूब जीवन में आप आगे बढ़ो, सदा भगवान की छत्र छाया में पलते रहो।
हम सब की दिल की दुआएं आपके साथ हैं। Kumaris
मिल खा अनुशासन। शांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और कुछ पीस के अलावा कोई सिनोनिम? साइलेंस तो ठीक वही होगा, क्वाइट, काम, कामनेस। तो पीस कैसे मिलती है, कोई बता पाएगा यहाँ पे? बोलिए, वहीं से बोलिए। बाय गेटिंग रिलैक्स। तो रिलैक्स कैसे होंगे बच्चे? ओके, वेरी नाइस। बाय इग्नोरिंग ऑल द स्ट्रेस। तो सारा स्ट्रेस रिमूव करके आप पीस अचीव कर सकते हैं, उसी को शांति बोलते हैं। तो आप खुश रहकर भी शांति पा सकते हैं या नहीं? तो खुश कैसे रहेंगे? अभी आप घर पर हैं, पूरा दिन स्कूल नहीं जाते, घर पे सभी को परेशान करते हैं, परेशान करते हैं ना सभी बच्चे घर पे पेरेंट्स को? जवाब दीजिए यस और नो में। यस, सभी परेशान करते हैं। तो बच्चों को शांति मिलती है, पेरेंट्स को नहीं मिलती, ऐसा? चलो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 मिनट ही लूंगा, क्योंकि सर पहले ही बोल चुके हैं। तो थोड़ा सा हम गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी बच्चा यहाँ पे बताइए, डेली रूटीन में गुड हैबिट क्या क्या फॉलो करते हैं? 18 o'clock बोलिए। Wake up early in the morning, एक saying है ना, early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। कोई इसका हिंदी में मीनिंग बता पाएगा? जो भी बता पाएगा एक बार स्टेज पर आकर बताए माइक में, या इधर से अपनी सीट से बता सकते हैं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, आप हिंदी में मीनिंग बताइए इसका क्या? बहुत बढ़िया। तो इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। तो आपको जल्दी सोना है, आजकल बच्चे जल्दी नहीं सोते, कोई भी सभी फोन में लगे रहते हैं। वेरी गुड, अगर आप 9 बजे सो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। 8:30 वेरी गुड। यहाँ पर कोई बच्चे हैं जो 9 बजे के बाद सोते हैं? आप तो 9 बजे से पहले सो जाते हो मिश्का, 9 बजे के बाद सोते हैं, रीजन पढ़ाई करके सोते हो या फोन चलाकर? टीवी देखते हो। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, 2 मिनट लेकर, कि फोन चलाने से, सभी लोग फोन चलाने के लिए मना करते हैं। क्यों करते हैं मना फोन चलाने के लिए? इसलिए आइस आइस में प्रॉब्लम आ जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बच्चों को तो सब पता है पहले से। तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, फोन हम क्यों मना करते हैं सभी बड़े पेरेंट्स एल्डर्स आपके, क्योंकि फोन में होती है हार्मफुल रेडिएशंस। अब आप देखिए, फोन में कैमरा भी है, फोन में क्लॉक भी है, फोन में लाइट भी है, फोटो भी क्लिक करता है, सब कुछ फोन में है। तो इतना कुछ एक छोटे से फोन में सब कुछ आ गया। पहले हमारे पास, हमारे टाइम में सब कुछ अलग अलग होता था, क्लॉक टाइम देखने के लिए, कैमरा अलग होता था, टॉर्च लाइट करते थे, अब सब कुछ एक ही फोन में है।
इसी के अंदर बैटरी भी है, तो ये इतनी हार्मफुल रेडिएशन फैक्टर है, तो जिससे हमारी आईज डैमेज होती है, हमारे फेस, हमारी स्किन, सब पे कुछ ना कुछ गलत असर पड़ता है। और रात को तो फोन बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए, तो इसीलिए बच्चों को मना किया जाता है कि फोन बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि इससे आप अच्छी स्लीप क्वालिटी भी नहीं ले पाएंगे। हमें कितने घंटे सोना चाहिए? 8 आवर्स मिनिमम, 8 आवर्स तो सोना ही सोना चाहिए। सब लोग सोते हैं 8 आवर्स पूरे दिन में, तो रात को कितने घंटे सोते हो आप? 7 घंटे। 8 आवर्स की नींद सभी के लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। 10, अभी समर वेकेशन है, सो जाओ 10, बाद में फिर जल्दी भी उठना पड़ेगा, बस आएगी जब पछताएंगे तो कोई नहीं। अभी समर वेकेशन इसलिए होती है ताकि अपनी नींद पूरी करो, अपना खाने पीने पे ध्यान रखो, और ज्यादा से ज्यादा आपको लिक्विड डाइट लेनी है गर्मी में। तो आपको आगे से फोन का क्या करना है? रात को नहीं चलाना, पक्का? तो फोन कम से कम चलाना, क्योंकि फोन बहुत ज्यादा रेडिएशन फैक्टर है, जिससे हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि मना क्यों करते हैं फोन चलाने के लिए, इसलिए। ठीक है, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए बच्चे से। ओम शांति। केवल 5-7 मिनट हम सब एक एक टीचर डॉक्टर आईएएस ऑफिसर गुड लॉयर चलिए बहुत अच्छा वेरी गुड बहुत अच्छा अपने लिए ताली बजाओ। लक्ष्य ना ओझल होने पाए तू कदम बढ़ाता चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो आप सभी बच्चे जिस भी लक्ष्य को लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सबके पास क्या चाहिए? वो जोश चाहिए, वो हिम्मत चाहिए, वो उमंग उत्साह चाहिए, वो कॉन्फिडेंस चाहिए। और आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके नियर एंड डियर्स वहाँ उस चोटी पर आप सबका इंतजार कर रहे हैं, और आपने उस लक्ष्य को बीत कर लिया, और आपके जीवन में वो खुशी, हाँ, जो भी आप चाहते हैं, डॉक्टर, कोई आईएएस, जो भी आपने लक्ष्य रखा है वो आपने अचीव किया, तो उसको अचीव करने की खुशी कैसी होगी, कितनी खुशी होगी, तो वो महसूस करेंगे उसको।